मेरा सिलेंसर पानी क्यों छोड़ रहा है? ये दिख रहा है आपको? करो करो थोड़ी सी पुश करो। टायर नहीं निकल पा रहे, गाड़ी की बॉडी निकल रही है। गाड़ियां देखो प्यारी लग रही। अब तो नहीं, बस क्या बोल रहे, 1000 बस नहीं बचेगी। लीजिए छोटी सी 4x2 में ही रखी। बेसिकली क्या है कि बातों बातों में, ओहो देखो तो सही, बातों बातों में क्या है 4x4 डाला ही नहीं, तो वो 4x2 में तो दिक्कत होनी थी। हालांकि अभी उतनी बैठी नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये आगे से खींच रहे पीछे से, यहाँ से देखो यहाँ से उतनी नहीं दिख रही। ओए होए होए होए, इधर से देखो, इधर से तो पूरी बैठ गई है। मुझे ये गलती का आभास क्यों नहीं हुआ पहले कि ऐसा हो सकता है। अब मैं सोच रहा था पहले जूते खोल लूं, पर जूते खोलने में कोई पॉइंट तो है नहीं है, पर खोल ही लेते हैं, नहीं तो पाँव गीले पड़ जाते हैं। हाँ पानी जो है वो ऊपर ही आ गया था, कोई बात नहीं चलो। और ये देखो मेरा सिलेंसर पानी क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि इसमें वहां पानी है ना छेद में, पानी छोड़ रहा है। ऋषभ भाई 2 मिनट के लिए, क्योंकि इंजन का आवाज ज्यादा है, तो बेसिकली इंजन के आवाज से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये गाड़ी मेरी जो है 4x2 में थी, तो उसको ऊपर ऊपर अब मैंने जूते बूते खोल लिए। आप भी यहाँ से 4x2 में लाओगे अभी? ठीक है, डन। आप ही कदम ले जाऊंगा। अच्छा पर तेज लाना आप फिर। तो यहाँ से देखो, वैसे उतनी नहीं बैठी क्योंकि मैंने गाड़ी को ना ओवर स्पिन नहीं करा, तो फिर भी आप देखो पीछे का टायर आया तो है ही अंदर। ईशान भाई ला रहे हैं अपनी गाड़ी, तो विंच ही करेंगे क्योंकि टोस्ट टायर से इतना लंबा लग नहीं पाएगा, फिर वो गाड़ी वहाँ धसेगी, तो उससे बेटर है कि इसी से ही निकाल लें। सही है ये बात। चलो ये देखो कैसे दबरी है रेत, ठीक है ना, ये देखो। नहीं नहीं इसको हिलाओ ना, एक मिनट क्या हुआ। हाँ रुक 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 रुक, चलो नीड मनी फॉर पोर्श, तो Q7 की जगह पोर्श ले लेते ना, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पोर्श नहीं। अच्छा तो चलो अभी इसमें आगे हुक था तो ऐसे पोर्श आई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ हम गंदे हो रहे हैं, कई गाड़ी बगा रहे होते रात को। पानी कह रहा रॉक्स में बीच में दूंगा, नहीं फ्रेश मैं। चलो इनकी आपस की बातचीत चल रही है। और इसका पॉइंट जो है वो है ये दिख रहा है आपको, लग तो ये अच्छा, ये इतना सीख नहीं पाया, चलो लग गया। बैठ जाओ आप अंदर ही बैठो, इधर से नहीं लगता बैठी हुई है ज्यादा, आगे से लगता है पर बैठी तो है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि गाड़ी बैठी नहीं है, बैठी तो है। ओए 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 ओए, रेत तो दसने वाली है, इधर इधर से देखो। तो क्योंकि मैंने गाड़ी को ज्यादा पुश नहीं कराया, तो करो करो थोड़ी सी पुश करो, टायर नहीं निकल पा रहे, गाड़ी की बॉडी निकल रही है, कितनी बैठ गई है देख रहे हो, पूरी बैठ गई अंदर तक। तगड़ी वसी है रेत देखो। चलो बंद क्यों होगी ड्राइवर, चलो आउट 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 आउट। हाँ चलो जी फाइनली आउट। मेरे को लग रहा है गाड़ी न्यूट्रल में तो नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल में तो बोलो, नहीं नहीं निकल जाएगी। ठीक है बस,
और हॉर्न भी बैठ गया और क्लच की भी स्मेल आई। चलो जी भाई अगले लो है चलो जी। देखो 4x4 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x2 थी गाड़ी तो तभी दिक्कत आई। थोड़ा और जान दो, अटक गई ना। चलो अब निकालो कैमरा ऑफ है भैया, एक मिनट ऑफ करना, एक मिनट ऑफ करना। चलिए जी अब निकलेंगे यहाँ से आगे, पैरों की हालत देख लो, अब जूता पहनना है, कोई फायदा तो है नहीं है, तो अब आगे निकलेंगे ना। तो मसला चल रहा है वहाँ से निकालनी गाड़ी, वहाँ से रिकवरी देने के लिए बैठे ना क्या होगा? नहीं वो तो रिकवरी का तो मसला ठीक है, जितना सीरियस होके बोल रहे हो ना। अभी यहाँ से बाहर जाके आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत गहरा है, ये तो सामने ही दिख रहा है ना, ये तो मतलब तालाब बना हुआ है, ये गहरा नहीं है, ये तालाब बना हुआ है। वो जो है वो थोड़ी सी वाटर स्ट्रीम, क्या बोलेंगे, शैलो वाटर स्ट्रीम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, ऋषभ भाई ने पूरी रेकी जो है वही कर ली है कि कैसा है कैसा नहीं। तो चलो ऋषभ भाई क्या अपडेट है, इजी पीजी? चलो पर उससे दलदली भी तो हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इस साइड आना है, गाड़ियाँ देखो प्यारी लग रही। चलो तो मानिक भाई जो है वो हो गया गीले। तो गाइस इतनी बड़ी गाड़ी आप देखो कि जितना इजी ये लग रहा होगा वैसा नहीं है। ओए 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 ये तो बहुत ही दलदल है, मैं फंस रहा हूँ और बिल्कुल। ओए जल्दी पाओ जी, इस पानी में है। ये आपकी गाड़ी फंसी क्यों पता है? मानिक भाई चिल्ला रहे थे कि मुझे गंदा मत करो। मानिक भाई ये गाड़ी फंसी सिर्फ आपके उससे है, आपके कपड़े गंदे कर रहे थे। ओ भाई वो देखो डिपादा पानी गया। ये देखो देख रहे हो कितना दलदली, हाँ निकलेगी तो ऐसे ही। चलो चेक करो माउदे बच्चे और रिकवरी करो। हाँ पानी रिम है यार, पानी बाबू चल यार, पानी देख रहे हो कितना दलदली है। अगर ये गाड़ी यहाँ फंस गई तो सोचो। ओ भाई कीचड़। तो ये देखो ये पूरा ये रोड तो दिख ही नहीं रही थी बीच में, कितनी अंदर बैठ गई थी, वही चेसी से ही रुकती है गाड़ी। चलो निकल गई बात। चलिए जी अभी वही ऑब्स्टेकल जिसके लिए हम पहले ही चले गए थे वो वाला रह गया था, अभी हम वापस नदी में जा रहे हैं। यहाँ से एंगल बढ़िया आता है ठीक है, और धूप का थोड़ा सनलाइट का भी देखना पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ फंसती है नहीं फंसेगी, वैसे तो निकल जाएगी एक मोशन में, बट वो जहाँ था ना वो तो अनएक्सपेक्टेड था और सेकंड्स में फंसी गाड़ी, यूँ देखते देखते बैठ गई। पर चलो ठीक है, रिकवरी शिकवरी अपने पास है। तो यही होता है कि रिकवरी आपको विंच वाली रिकवरी ऑफ रोड में क्यों जरूरी रहती है, नहीं तो विंच के बिना पटे डाल के नहीं इतनी बड़ी गाड़ियाँ निकलती, पटे डाल के सिर्फ जिप्सी और जिमनी ही निकल सकती है, नहीं तो निकलेगी भी तो फिर डैमेज जो होगा वो भी नेक्स्ट लेवल ही होगा। चलो आ रही है अभी गाड़ी, मोशन तो उन्होंने अच्छा खासा कैरी किया है,